वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है जूलॉजी का, ठीक है। जूलॉजी का सेकंड क्वेश्चन है जो कि हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं और आज आपका कौन सा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपकी, और साथ ही पास में लगा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और किसी भी वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और इसकी एक साइट है www.paperhacker.in पे जब आप जाओगे तो यहां से आपको सभी प्रकार का मटेरियल पढ़ने वाला मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, सभी प्रकार के पीडीएफ वीडियो और यहाँ पर आपको, यहाँ तक कि प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट भी सभी वीडियो की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है लिपिडों के वर्गीकरण व इनके महत्व का विवरण लिखिए। लिपिडों के वर्गीकरण व इसके महत्व का विवरण हमें लिखना है, या अथवा क्या पूछ रहा है। कह रहा है जैव तंत्र में पाए जाने वाली लिपिडों के वर्गीकरण संरचना तथा जैविक महत्व, वर्गीकरण संरचना तथा जैविक महत्व पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात हम किसकी करेंगे, लिपिड्स की करेंगे, ठीक है। लिपिड, या इसको हम क्या कहते हैं, बसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बसा। इनमें अंतर क्या है, जब बसा के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं या मिल जाते हैं तो वो क्या, वही आपका क्या बन जाता है, लिपिड्स बन जाता है, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं, ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, ठीक है। कभी कभी इनमें क्या मिला रहता है, आपका नाइट्रोजन मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा और सल्फर, ठीक है। इनके भी कुछ लिपिड्स इनसे भी मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। तो अगर हम बात करें किस रूप में पाए जाते, तो बसा या लिपिड जो जीव है, जीवों में मोमीय, ठीक है, कौन सी मोमीय अवस्था या आपके तैलीय अवस्था, मोमीय या तैलीय अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं ये, जो जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम फैट कहते हैं। और ये कैसे होते हैं आपके, ये जल विरागी होते हैं, ठीक है। ये जल में घुलते नहीं है, जल में घुलते नहीं है, जल में नहीं घुलते हैं, ठीक। क्या करते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। तो ये आपको कुछ याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्या कह रहा है, लिपिडों के वर्गीकरण व इसके महत्व का विवरण लिखिए, या कह रहा है जैव तंत्र में पाए जाने वाली लिपिडों के वर्गीकरण संरचना तथा जैविक महत्व पर निबंध लिखिए। क्या करना है आपको, निबंध लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आंसर की। कह रहा है वर्गीकरण के आधार पर लिपिड चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार, यानी कि चार भागों में लिपिड्स को वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक साधारण लिपिड, ठीक है, सिंपल लिपिड्स। तो ये क्या होते हैं, ये मोनोकार्बोक्सिलिक बसा अम्ल, क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक, मतलब आपका एक ही सी डबल ओ ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। एक ही इनमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप केवल एक ही पाया जाएगा, एवं एलिफैटिक एल्कोहलिक के, एलिफैटिक एल्कोहल के कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं ये आपके, कैसे होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक वसा अम्ल, एवं क्या होते हैं आपके, एलिफैटिक एल्कोहल के कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, यह एल्कोहलीय एस्टर होते हैं। क्या होते हैं, एल्कोहलीय एस्टर होते हैं। कह रहे हैं मेन सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जो आपके मुख्य सिंपल लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ट्राइग्लिसराइड। क्या होते हैं आपके, ट्राइग्लिसराइड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहे हैं इन लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलता है। अब आपका ये जो लिपिड है, ठीक है, साधारण लिपिड है, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो आपको में क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साधारण लिपिड्स की, अगर हम बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। उदाहरण अगर हम बात करें तो कह रहा है वसा एवं तेल, क्या, वसा और तेल। दूसरा क्या है आपका, मोम, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में पाए जाते हैं जीवों में, बसा और तेल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये दो आपके क्या साधारण लिपिड हैं, बसा एवं तेल, और दूसरा क्या आपका, मोम या वैक्स। दूसरा आपका जो वर्गीकरण में आता है वो क्या है आपका, जटिल लिपिड, क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या है,
ये निम्न प्रकार के होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं वो आपके दोबारा कई तरह के होते हैं। नंबर एक फॉस्फोलिपिड, क्या नंबर एक आपका क्या आता है? फॉस्फोलिपिड आता है, ठीक है, ये आपको क्रम से याद रखना है। क्रम अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये इसमें कितने प्रकार के हैं, निम्न प्रकार के हैं, इनमें से कम दो तीन प्रकार आपको याद रखने हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? ये फॉस्फोरस के साथ बसा अम्लों के ग्लिसराइड्स होते हैं, किसके साथ में? फास्फोरस के साथ मिलकर बने रहते हैं, और उन्हीं के क्या होते हैं, ये ग्लिसराइड होते हैं। इनमें अणु ध्रुवीय होते हैं, कैसे होते हैं? अणु ध्रुवीय होते हैं, जिनमें हाइड्रोफिलिक, क्या हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक ध्रुव होते हैं। कौन से ध्रुव होते हैं? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल विरागी और जल स्नेही। जल विरागी मतलब जो जल में घुल जाए, और जो जल में ना घुले उसे क्या कहते हैं? जल विरागी। जल स्नेही जो जल की तरफ हिस्सा रहता है उसका, उसको हम क्या कहते हैं? जल रागी कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है आपका? जल विरागी। क्या होता है? विरागी, यानी कि ये भाग कहाँ रहता है? जल से दूसरी ओर रहता है, घुलता नहीं है। कह रहा है ये कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली एवं अन्य अंतः झिल्लियों के निर्माण में भी भाग लेते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली है या अन्य अंतः झिल्लियां हैं, इनमें इनके बनाने में या इनके फॉर्मेशन में भी इनका कुछ ना कुछ भाग होता है, ठीक है। पर उदाहरण एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हम किसके देख रहे हैं? फॉस्फोलिपिड्स के। किसके? फॉस्फोलिपिड्स के। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है। लेसिथिन, क्या? लेसिथिन। दूसरा आपका क्या है? सिफेलिन, क्या है? सिफेलिन। थर्ड क्या है आपका? प्लाज्मालोजिन, क्या है? प्लाज्मालोजिन। और क्या है आपका? फॉस्फोफिंगोसाइड, क्या है? फॉस्फोफिंगोसाइड्स आदि। ये सभी किसके हैं आपके? फॉस्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल हैं। कितने? एक दो तीन, और ये आपका चार, चार। ये चार एग्जाम्पल हैं आपके फॉस्फोलिपिड्स के, जिनमें से आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से? लेसिथिन, सिफेलिन और प्लाज्मालोजिन। और आपका फोर्थ क्या है? फॉस्फोफिंगोसाइड, क्या है? फॉस्फोफिंगोसाइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड टाइप, ठीक है, क्या? फॉस्फोलिपिड। सेकेंड आपका क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स, क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स। इसमें क्या होता है? कह रहा है बसा अम्लों के साथ कार्बोहाइड्रेट, किसके साथ में? बसा अम्लों के साथ कार्बोहाइड्रेट रेडिकल एवं नाइट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? रेडिकल और इसके क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। किसके साथ में? कार्बोहाइड्रेट के साथ में, ठीक है। कह रहा है ये तंत्रिका ऊतकों के श्वेत पदार्थ, ठीक है, जो आपका व्हाइट मैटर होता है तंत्रिका ऊतकों का, उनमें एवं अंडे के पीतक या एग योक में पाए जाते हैं। अंडे के पीतक में यह आपके किस में पाए जाते हैं? ऊतकों के श्वेत पदार्थ, अंडे का पीतक, अंडे के अंदर जो पीला भाग निकलता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? फ्रेनोसिन, ठीक है, फ्रेनोसिन, कैरेसिन एवं नार्वेन नार्बोन एवं ऑक्सी नार्बोन, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके? ग्लाइकोलिपिड्स के, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? फेरोनोसिन, फ्रेनोसिन और कैरेसिन। थर्ड है आपका नार्बोन नर्बोन और ऑक्सी नर्बोन। ये आपके एग्जाम्पल है किसके? ग्लाइकोलिपिड्स के, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रकार है। इसमें आपको इसके कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जो कि आपका क्या है? लैसिथिन, क्या है आपका? लैसिथिन। तो यहाँ पर अगर हम लैसिथिन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये इतना वाला भाग देखना है, ये इतना वाला भाग देखना है, जो कि क्या है आपका? ये पी है, ठीक है, पी। इससे लगा हुआ ये आपका क्या है? ऑक्सीजन। और इसी से क्या लगा हुआ? ओ सी एच टू और सी एच टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन, ठीक है। प्लस इस पे क्या लगा हुआ? तीन सी एच थ्री ग्रुप लगे हैं, ठीक है, थ्री मिथाइल ग्रुप आपके इस पे लगे हुए हैं। नीचे भी आपका क्या है? ऑक्सीजन। इस पे क्या लगा हुआ है? ओ एच का, एच ओ एच का होल 12 लगा हुआ है, ठीक है। इधर क्या है आपका? ये ऑक्सीजन। इससे क्या लगा हुआ है? सी एच टू। क्या लगा हुआ है? सी एच टू। अब इसी वाले कार्बन से आपका ऊपर ये कार्बन अटैच है, जिससे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका क्या है? कार्बन, ठीक है, सी एच थ्री जैसे कहते हैं। ऊपर आपका क्या है? सी एच टू और सी सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, और सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके? एल्कोहलीय एस्टर, ठीक है, क्या है? एल्कोहलीय एस्टर भी ये होते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया? लेसिथिन का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल क्या था आपका? सिफेलिन, क्या था? सिफेलिन, ठीक है। इसको कहते हैं फास्फो
फास्फोटिडिल, ठीक है, फास्फोटिडिल या एथेनॉल एमीन। तो इसमें भी सेम कहानी है, ये पी है आपका सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री और सिंगल बॉन्ड एन एच थ्री। यहाँ पर क्या है, एन एच थ्री है, उसमें क्या था नाइट्रोजन से तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, ठीक है, लेसिथिन वाले में। यहाँ पर क्या है, सेम ओ और एच ओ एच, ठीक, ये सेम है आपका, ये भी सेम है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, और इससे क्या लगा हुआ है, ये आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है इससे, और इस कार्बन से आपका ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है सी एच, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी, ये सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या हो गया आपका एस्टर हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या लगा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एल्कोहल ही एस्टर भी होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या था आपका, प्लाज्मा, थर्ड आपका है प्लाज्मा लोगेन, क्या है प्लाज्मा लोगेन, ठीक है। तो ये भी इसका, इसमें आपको यहाँ से इतना, पहले इतना भाग आपको लिखना है, ठीक है, इतना आपको बनाना है, उसके बाद इसमें सेम ग्रुप आपको अटैच कर देना है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर आपको अंतर रखना है इसमें, ठीक है, इसमें प्लाज्मा लोगेन वाले में। तो ये क्या आपका पी सिंगल बॉन्ड ओ, ये लगा हुआ है आपका ऑक्सीजन, और ये आपका हो गया सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच टू और सिंगल बॉन्ड एन एच थ्री। यहाँ पर आपका सेम जैसा पहले लगा था एच सिंगल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीजन कार्बन, ये दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इससे क्या लगा हुआ है आपका ऊपर वाला ग्रुप, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन से लगे हुए ऑक्सीजन, ये क्या है आपका मेथिल ग्रुप, ठीक है, सी एच थ्री, और इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है आपका सी एच टू, और इसी के साथ में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड आर, ये क्या आपका मेथिल ग्रुप है, ठीक है, ये पहला मेथिल ग्रुप है, ये कौन सा, दूसरा मेथिल ग्रुप, इसलिए इन दोनों को इंडिकेट कर दिया है पहले और दूसरे से, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा प्लाज्मा, ये प्लाज्मा लोगेन हो गया। तो ये तीनों आपके इस एग्जाम्पल में जो दे रखे थे, लेसिथिन और प्लाज्मा लेमा और ये क्या है आपका सेकंड वाला, ये सिफेलिन, ये तीनों एग्जाम्पल आपको इसी तरह से स्ट्रक्चर बना के आनी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है इसका, थर्ड आपका है क्रोमोलिपिड, क्या है क्रोमोलिपिड, तो ये क्या होते हैं क्रोमोलिपिड, ठीक है, कह रहा है बसा के इस समूह में कैरोटीनाइड, क्या होते हैं कैरोटीनाइड एवं इससे संबंधित पिगमेंट आते हैं, क्या आते हैं कैरोटीनाइड और इससे संबंधित आपके पिगमेंट आते हैं, कह रहा है कैरोटीन, क्या होता है C40 और H56 प्रो विटामिन ए होता है, क्या होता है जो कैरोटीन होता है आपका, वो क्या होता है C40H56, ये प्रो विटामिन ए होता है, जो प्राणियों की संग्रहित वसा में उपस्थित होता है, यानी कि प्राणियों के अंदर जो स्टोर होता है फैट, उनमें ये मिलता है आपको, कौन सा कैरोटीन, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका प्रो विटामिन ए होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कि कैरोटीन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, ये प्रो विटामिन ए होता है, ठीक है। या पूछा जा सकता है कि प्राणियों की संग्रहित वसा में उपस्थित होता है, क्या होता है, क्या उपस्थित होता है आपका कैरोटीन होता है, ठीक है, C40H56, ये आपको याद रखना है। फोर्थ कह रहा है अमीनो लिपिड, क्या अमीनो लिपिड एवं सल्फो लिपिड, तो ये क्या होते हैं, कह रहा है बसा के बे समूह, किसके, बसा के बे समूह जो अमीनो अम्ल एवं सल्फर से जुड़े रहते हैं, किससे, अमीनो अम्ल एवं सल्फर से जुड़े रहते हैं, या सल्फर से लगे होंगे या आपके अमीनो अम्ल अमीनो ग्रुप से लगे होंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके अमीनो लिपिड या सल्फो लिपिड कहलाते हैं। अब आपका आ गया थर्ड पॉइंट, अभी तो हम दूसरे के अंदर ये हेडिंग पढ़ रहे थे, अब आपका थर्ड आ गया व्युत्पादित लिपिड, क्या ड्राइव्ड लिपिड, ये किसी अन्य लिपिड से अन्य लिपिड से प्राप्त किए गए होंगे या उनको दूसरे लिपिड से बनाया गया होगा, उनको कहते हैं ड्राइव्ड लिपिड, ठीक है। कह रहा है इसके अंतर्गत सामान्य एवं जटिल, कैसे, सामान्य एवं जटिल लिपिडों के हाइड्रोलाइसिस उत्पाद एवं कुछ अन्य पदार्थ, जैसे क्या हो गया आपका स्टेराइड हो गया, बसा हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, आवश्यक तेल हो गया, हाइड्रोकार्बन आदि आते हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत, जो आपके व्युत्पादित लिपिड होते हैं सामान्य एवं जटिल, कौन से, सामान्य एवं जटिल लिपिडों के हाइड्रोलिसिस उत्पाद, किसके होते हैं, सामान्य एवं जटिल लिपिडों के हाइड्रोलिसिस उत्पाद, यानी कि उनका हाइड्रोलिसिस करने पर जो बनता है। उसके बाद कह रहा कुछ अन्य पदार्थ, जैसे आपका स्टेराइड हो गया, बसा हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, एल्कोहल, आवश्यक तेल, हाइड्रोकार्बन आदि आते हैं, ठीक है, इनके अति महत्वपूर्ण स्टेराइड होते हैं, ठीक है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, स्टेराइड होता है, क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेराइड होता है, किसमें, व्युत्पादित लिपिड में, ठीक है, या ड्रैब्ड लिपिड में, ये आपको ध्यान रखना है।
करा अवर्गीकृत लिपिड, ठीक है, अनक्लासिफाइड लिपिड्स, ये विटामिन ई e, क्या होता है विटामिन ई e, जिसे टोकोफ्यूरॉल कहते हैं, या विटामिन के आदि होते हैं, या तो आपका क्या होगा विटामिन ए, या क्या होगा आपका विटामिन के, ये कहते हैं अनक्लासिफाइड है, ठीक है, या अवर्गीकृत वर्गीकृत है, इनको वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा अर्गोस्टेरॉल, क्या हो जाएगा अर्गोस्टेरॉल, जिसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक बेंजीन रिंग बनानी है आपको, इसमें क्या करना है एस वाले कार्बन पे आपको OH ग्रुप लगा देना है, दूसरी बेंजीन रिंग बनानी है, इसमें आपको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, और इसी में बीच में क्या लगा देना है आपको एक मेथिल ग्रुप लगा देना है, और ये आपका कुछ थर्ड तीसरी रिंग आपको यहाँ बनानी है, इसमें क्या लगा देना है एक CH3 ग्रुप, एक मेथिल ग्रुप यहाँ पर भी लगा देना है, ये क्या बनाना है फाइव मेंबर रिंग, ठीक है, फाइव मेंबर रिंग, और इससे क्या लगा देना है कार्बन, यहाँ क्या लगेगा एक CH3 और दूसरा क्या लगा जाएगा एक हाइड्रोजन, बीच में बचा हुआ जो कार्बन, बीच में जो एक बॉन्ड बचा हुआ है इससे क्या लगा देना आपको CH2 CH2, और फिर कार्बन, उससे क्या लगेगा CH3 CH3 और हाइड्रोजन। तो ये आपको पूरा इतना याद करना है, ठीक है, लिख के देखना और आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है, अर्गोस्टेरॉल क्या होता है अर्गोस्टेरॉल। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करें, अब क्या पढ़ना है इनका लिपिड्स का महत्व, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स पढ़ना। तो नंबर एक अगर हम इसकी बात करें तो लिखा है लेनोलिन, क्या लेनोलिन मोम, जो सेबेसियस ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, यह त्वचा एवं बालों को चिकना बनाता है, कौन लेनोलिन मोम, ठीक है, लेनोलिन मोम किसको चिकना बनाता है त्वचा एवं बालों को चिकना बनाता है। दूसरा कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना में भाग लेता है, कौन लिपिड्स, लिपिड्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना में भाग लेते हैं। तीसरा स्टेरॉयड होमोमर, स्टेरॉयड हार्मोन्स का संश्लेषण इन्हीं से होता है, हमारे अंदर जो स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं उनका फॉर्मेशन भी किससे होता है लिपिड से ही होता है, ठीक है, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण महत्व है जिनको आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन्स को एंजाइम से एंजाइम के प्रभाव से बचाता है, जो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन होती है उसको एंजाइम्स के प्रभाव से, यानी कि कहीं एंजाइम उसको नष्ट ना कर दें या उसमें कोई डिसऑर्डर उत्पन्न ना कर दें, ठीक है, उसको उससे बचाता है, कौन आपका लिपिड, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका एडिपोज के रूप में संचित भोजन का भंडार बनता है, किसके रूप में एडिपोज के रूप में संचित भोजन का भंडार, ये कौन होते हैं लिपिड्स ही होते हैं, जो किसके रूप में इकट्ठे होते हैं एडिपोज के रूप में होते हैं, ठीक है। सिक्स आपका है वैक्स डी, जो कि टीबी तथा लेप्रोसी करने वाले बैक्टीरिया द्वारा स्रावित किया जाता है, इसमें पैथोजेनेसिटी बढ़ती है, क्या बढ़ता है पैथोजेनेसिटी बढ़ती है, वैक्स डी होता है जो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है टीबी तथा लेप्रोसी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया द्वारा स्रावित किया जाता है, और इससे बढ़ता क्या है पैथोजेनेसिटी बढ़ती है, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है आपका लिपिड्स फैट के डाइजेशन के दौरान फैट का इमल्सीफिकेशन होता है या इमल्सीकरण होता है, क्या होता है इमल्सीकरण, किसके दौरान जब लिपिड फैट के डाइजेशन के दौरान फैट का क्या होता है इमल्सीकरण होता है, ठीक है, लिपिड और फैट दोनों एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बायोलॉजिकली रिवेलेंट लिपिड फैटी एसिड और आपका ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड स्फिग्नोलिपिड सेरामिडीज कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड और ओमेगा फैटी एसिड डेरिवेटिव्स हैं, क्या हैं जो आपके बायोलॉजिकली रिलेवेंट लिपिड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या हैं फैटी एसिड हैं आपके, ट्राइग्लिसराइड हैं और फास्फोलिपिड्स हैं आपके और स्फिग्नोलिपिड्स स्फिंगोलिपिड्स हैं आपके, स्फिंगोलिपिड्स सेरामिडीज हैं आपके, कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड और ओमेगा फैटी एसिड के फैटी एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, तो इन सभी के क्या है ये डेरिवेटिव हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अभी हमने क्या पढ़ा था लिपिड्स के लिपिड्स का वर्गीकरण और इनका महत्व, ठीक है, वर्गीकरण और इनका महत्व पर हमने विवरण की जानकारी दी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बन रही है हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।